अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये सिंपल एंड अट्रैक्टिव सा स्लीव डिज़ाइन बहुत ही आसानी एंड सिंपल मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग की हुई है। अगर आपको करनी नहीं आती है तो मैं अपने चैनल में पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल में। तो आगे से जितना भी आपने फोल्डिंग के लिए रखा होगा उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे उल्टी साइड पे। तो मैंने ये इतना ही पार्ट, ये वाइट सा पार्ट रखा था फोल्डिंग के लिए, क्योंकि मुझे बॉर्डर लेके आना था सामने, तो मैंने उतना अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड नहीं किया। अब स्क्वायर में ये पीस ले लिया है, चकोर में 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने और 2.5 इंच इसकी लंबाई ली है। स्क्वायर में इसको कट कर लिया है और इसको इस तरीके से मज़ीद डबल किया है और फिर मज़ीद डबल करके इस तरीके से ट्रायंगल शेप दे दी है। आप इसको तिरछा डबल करके भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये सारी स्ट्रिप्स कट की हैं। बहुत सारी स्ट्रिप्स को एक साथ किस तरीके से कट कर सकते हैं ये ट्रायंगल शेप के लिए, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को कर लेना है डबल, जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतना, और इसको इस तरीके से मज़ीद डबल करते जाना है। और जितनी भी आपको चाहिए होंगी ये स्ट्रिप्स, उसी लिहाज से इसको डबल करते जाइएगा। और उसके बाद इस तरीके से जो हमने 2.5 इंच की कट की थी स्क्वायर्स में, जो स्ट्रिप कट की थी उसको इस तरीके से ऊपर रख के निशान लगा लेंगे चारों तरफ और इस तरीके से इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। ये मेरी बहुत ही ईजी सी ट्रिक है जो मैं फॉलो करती हूँ। इस तरीके से आप एक ही टाइम में, बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी स्ट्रिप्स बना सकते हैं ट्राइंगल शेप के लिए। स्क्वायर में देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल स्क्वायर में ये कट हुई हैं, जितनी मेजरमेंट मुझे चाहिए थी, इसलिए मुझे अकेले अकेले अलग अलग करके कट नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे देखिए कितनी सारी एक साथ कट हो गई हैं। तो इसी तरीके से आपने करनी है। मैंने यहाँ इसको भी सेम उसी तरीके से आपने डबल करना है, आपने उल्टा डबल करना है। ध्यान रखना है कि सीधी साइड ऊपर की तरफ आए। मैं यहाँ दो कलर की ट्राइंगल शेप यूज़ करूँगी स्लीव्स के डिज़ाइन के लिए। अगर आप सिंगल कलर में लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से लगाएंगे तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब इसको इस तरीके से नीचे रखते हुए और बिल्कुल नोक को दरमियान में लाते हुए इस तरीके से एडजस्ट करते हुए इसके साथ साथ हम लोग ऊपर ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से जब आप ट्राइंगल शेप बनाएंगे तो आपको इस ट्राइंगल शेप के ऊपर सिलाइयाँ लगानी नहीं पड़ेंगी। अगर आप तिरछा करके बनाएंगे तो उसके लिए आपको पहले से सिलाइयाँ लगा के वो ये ट्रायंगल शेप को रेडी करके रखना पड़ेगा, तो इसलिए आसानी हो जाती है इस तरीके से बनाने से ट्रायंगल शेप। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से हम नीचे की तरफ रखेंगे और जितनी आपको बाहर की तरफ बढ़ानी है ये ट्रायंगल शेप, उतनी ही बढ़ाते हुए इस तरीके से। यहाँ देखें मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में बढ़ाई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं की बाहर की तरफ और बहुत कम भी नहीं की। इस तरीके से एक मैं येलो कलर की लगा रही हूँ और एक मैं डार्क पिंक कलर की लगा रही हूँ। तो मेरे इस ड्रेस में कंट्रास्ट था येलो एंड पिंक का, तो मैंने दोनों कलर्स यूज़ किए हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे स्लीव्स। इस तरीके से इसको नीचे की तरफ रखते जाएंगे और बिल्कुल नोक को इक्वल करते हुए, और एक जितनी मतलब इसकी लेंथ जो है ट्राइंगल शेप की वो सबकी सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कुछ आप बहुत छोटी सी लगा दें, कोई आप बहुत बड़ी सी लगा दें। तो बिल्कुल नोक को इक्वल करते हुए सबके साथ इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ट्राई किया है कि अपनी बहुत ही ईजी ट्रिक आपको बताऊँ, तो होपफुली कि ये बहुत ही इजी लगी होगी आपको। यहाँ पे देखें एक हम लोग येलो लगाते जाएंगे, एक पिंक लगाते जाएंगे। इसी तरीके से आपने दोनों स्लीव्स अटैच करने हैं। अगर आप ट्राउज़र पे लगाना चाहते हैं, ट्राउज़र के पांचे पे लगाना चाहते हैं, तो वो भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आप नेक डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं दो कलर्स में, तो और भी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगेगी। यहाँ पर देखें मैं एक पिंक और एक येलो लगाती जाऊंगी। इस तरीके से मैं हमने स्लीव्स पे कंप्लीट कर ली है। अब इसके साथ मैं एक पैर की एक और सिलाई लगा लूँगी, इससे ये और भी अच्छे से अटैच हो जाएंगी स्लीव्स के साथ। तो यहाँ पे देखें स्लीव्स हो चुके हैं मेरे रेडी और कुछ इस तरीके से लुक आया है, उल्टी साइड पे कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको इस तरीके से कट कर देंगे और देख सकते हैं बहुत ही सिंपल एंड अट्रैक्टिव से स्लीव्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।